अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक बड़ा ही प्यारा सा टिश्यू बॉक्स बनाने वाले हैं और उसके ऊपर जो है वो हम फास्ट फूड की जो चीज़ें हैं वो बना के रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्राइज़ और उसकी बास्केट छोटी सी बनाएंगे। उसके लिए मैं वूल यूज़ कर रही हूँ, बास्केट के लिए ये रेड कलर और फ्राइज़ के लिए ये येलो सा कलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी 4-ply वूल है और ये भी 4-ply वूल है और 3 mm हुक है, 3.5 भी ले सकते हैं आप। सबसे पहले जो है वो मैं बास्केट स्टार्ट करूँगी, उसके लिए मैंने ये रेड कलर जो है वो और फ्राइज के लिए फिर मैं येलो करूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है वो मैजिक सॉरी स्लिप नॉट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं चेन्स लूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये देखिए मैंने 8 चेन्स ली हैं और आप अगर थोड़ी बड़ी बनाना चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने चेन 1 ली है टर्न लेने के लिए। अब मैं सब स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया बनाऊं। ये मैंने 8 चेन्स ली हैं और 9th वाली जो है वो मैंने टर्न लेने के लिए ली है, 8 चेन्स। ठीक है, ये मैं सिंगल क्रोशिया 8 स्टिचेस के ऊपर बनाऊंगी, 8 स्टिचेस के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। बहुत ही आसान और क्यूट सी ये बास्केट है। ये देखिए, ठीक है, चेन 1 लूंगी और मैं टर्न ले लूंगी। ठीक, अब मुझे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करूंगी। जो इसका लास्ट स्टिच है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, उसको ये देखिए इस तरह से। अगर आपको बैक लूप या स्टिच नहीं मिल रहा तो आप काउंट करके आपने बनाने हैं, कम ज़्यादा ना हो। ये एंड वाला जो है वो ज़रा मुश्किल सा है, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है, उसको स्टिच को उठाना है। अच्छा, ये मैं चेन 1 लूँगी और फिर टर्न ले लूँगी। ये मेरा तीसरी मेरी रोज़ स्टार्ट हो गई है। मैं ये 8 रोज़ बनाऊंगी, इसी तरह से 8 रोज़ मैं कंप्लीट करूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी 8 रोज़ हो गई हैं, 8 रोज़। तो अब ये काउंट करते हैं इसे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 और 8, 8 रोज़ मेरी 8 रोज़ हो गई हैं। अब आप चाहें इससे बड़ी बास्केट बनाना तो रोज़ बढ़ा भी सकती हैं, और ये वाले स्टिचेस भी ज़्यादा लेके थोड़ी बड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके अराउंड इसकी ये चारों साइडों पे सिंगल क्रोशिए की 3 to 4 रोज़ बनानी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए इस तरह से हर स्टिच के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया उठाते हुए इसके अराउंड वर्क करना है। ये देखिए ठीक है, हमारी हर साइड को इसकी फोर्थ साइड जो है 8 8 स्टिचेस फोर्थ साइड पे होंगे। इस साइड को हमारे वैसे 8 स्टिचेस थे, दूसरी साइड को हमने 8 रोज़ बनाई, तो हमारे दोनों साइडों को 8 8 स्टिचेस जो है वो हो गए। आप इसकी ये टेल को इसके अंदर यूं रखकर कवर कर सकते हैं। ये देखिए हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या करना है, आपने इसके फोर्थ राउंड लें और फोर्थ राउंड लेकर वापस आएं। आप यहाँ पर जहाँ से ये राउंड हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ पर आप स्टिच मार्कर लगा लें। अगर आपके पास स्टिच मार्कर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप किसी भी थ्रेड के साथ निशान लगा सकते हैं। ठीक है, इसके मैं 4 राउंड लेकर 4 राउंड कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, आप कीजिए। ये देखिए मेरे 4 जो राउंड हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 4 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 4 राउंड मैंने सिंगल क्रोशिए के कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगी कि बास्केट का जो बैक वाली पार्ट है सिर्फ उस पे वर्क करूँगी। आप ये दोनों साइडों पे भी कर सकते हैं और ये इस तरह से यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रंट वाले जो स्टिचेस है उनको काउंट करके तो मैं उनको अलग कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं यहाँ तक 10 स्टिचेस तक इसको अलग कर दूंगी। और बाकी स्टिचेस पे वर्क करूंगी। ठीक है,
बाकी स्टिचेस पे मैं ये पे कि हमने जो फ्रंट वाले हैं स्टिचेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है 10 मैंने स्टिचेस छोड़। अब जो बाकी स्टिचेस हैं इनके ऊपर मैं इसी तरह से सिंगल क्रोशिया की 4 रोज या 3 रोज और बनाऊंगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और अब मैं ये जो मेरा स्टिच मार्कर है इसी से मैं यहाँ से टर्न ले लूँगी वापस, ठीक है। यहाँ से मैं चेन वन लूँगी और यहीं से मैं टर्न ले लूंगी, ये देखिए इस तरह से, और ये कंप्लीट करूंगी अपना मेरी जो रो है यहाँ तक। यहाँ से फिर मैं टर्न ले लूंगी यहाँ तक, ठीक है। बस ये मुझे यहाँ तक ही वर्क करना। ये देखिए ये मेरे 4 राउंड जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इसके, 1, 2, 3, 4, ये देखिए 1, 2, 3 और ये वाले 4, ठीक है। 4 राउंड मेरे कंप्लीट हो गए हैं। स्टिच मार्कर्स को मैं उतार दूंगी और जो है फ्राइज वो हम स्टार्ट करते हैं येलो कलर से। ये इसका थ्रेड जो है वो मैं थोड़ा सिलने के लिए थोड़ा लंबा कट करूंगी इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ से मैं इसको निकाल, ठीक है। ये हमारी जो बास्केट है वो रेडी हो गई है। तो अब फ्राइज के लिए मैं वूल यूज़ कर रही हूँ ये येलो कलर की, और सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लेनी है। स्लिप नॉट तो अब आपको आ ही गई होगी, ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद मुझे चेन्स लेनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपने जितनी लेंथ रखनी है अपनी फ्राइज की आप उसके मुताबिक ले सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ छोटे बनाऊंगी, कुछ बड़े जो बड़े हैं उनके लिए मैं 15 लूंगी और जो छोटे हैं उनके लिए मैं 12 लूंगी, ठीक है। तो जो बड़े हैं उनके लिए मैं 15 लूंगी और जो छोटे मेरे साइज़ के फ्राइज हैं उस उनके लिए मैं 12 लूंगी, ठीक है। तो ये देखें ये मैं यार्न ओवर करूंगी और यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया जो है वो कंप्लीट करूंगी। ये थर्ड वाले स्टिच में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, और फिर बाकी सारे स्टिचेस पर मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये इस तरह से देखें, आप इसको राउंड शेप में भी बना सकती हैं लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा बेस्ट लगी है तो फिर मैं इसलिए आपको ये वाला बता रही हूँ। जिस तरह हम जर्सी की रिबिंग बनाते हैं सिंगल क्रोशे से, ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया यूज़ किया है ताकि हमें इसके अंदर स्टफ़ ना करना पड़े। तो ये ऑलरेडी जो है वो मोटी मोटी जो है वो थोड़ी सी बन जाए, ये देखिए, ठीक है। अब मैं चेन 2 लूँगी और टर्न ले लूँगी इस तरह से, और इसके बैक लूप पे जिस तरह हम बॉर्डर बनाने के लिए अपनी रिबिंग बनाने के लिए इसके बैक लूप पे वर्क करते हैं बिल्कुल इसी तरह से बैक लूप पर आपने बनाना है। ये देखिए इस तरह से इसकी 4 जो रोज़ है वो मैं कंप्लीट करूँगी।
कि मैं बैक लूप पे वर्क कर रही हूँ। ये देखें, आप छोटे बड़े साइज के बना सकते हैं। इसके लिए मैंने 12 लिए हैं, बड़े के लिए आप 15 ले लें। ज़्यादा साइज़ों में बनाना चाहते हैं किसी के लिए 13 स्टिचेस ले लें, किसी के लिए 14 ले लें, ठीक है, किसी के लिए 12 ले लें, किसी के लिए 13 ले लें। ये मैंने 12 लिए हैं, छोटा साइज़ बना रही हूँ। मैंने कुछ बना कर रखी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा लास्ट वाला है, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं चेन टू लूँगी और टर्न ले लूँगी और इस तरह से मैं चार रोज़ इसकी बनाऊँगी। ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये मेरी फोर्थ रोज़ कंप्लीट हो गई है। ये देखें, 1 2 3 4, चार मेरी रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसकी टेल को थोड़ा लंबा रख के कट कर दूंगी इस तरह से, और इसको मैं स्टिच करूंगी। नीडल में आप थ्रेड डालें और ये देखिए इस तरह से इसको मैं स्टिच कर दूंगी, ठीक है। और ये हमारी क्यूट सी छोटी सी जो राइस का है, हर स्टिच में से एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, तो इस तरह से। ये देखिए, एक इस साइड से स्टिच लेना है और एक इस साइड से स्टिच लेके, तो इसको हमने ये वाली टेल को भी अंदर ही कर देंगे। यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह सिक्योर करके, तो अब मैं इसके अंदर से ये हमारी फ्राइज जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ से आप थ्रेड को कट कर दें और ये देखिए कितनी अच्छे से रेडी हुई है। ये मैंने पहले से और बना के रखी हुई हैं, ये भी हम इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और ये भी मैं इसके अंदर इस तरह से रखूँगी। ये देखिए, ठीक है, हमारी फ्राइज और जो बास्केट है वो रेडी है। और इसकी जो हमने ये इसकी लॉन्ग टेल छोड़ी थी, इसको भी मैं इसी तरह से ठीक है इसको करके, तो आपने इसको ग्लू गन के साथ भी आप इसको जोड़ सकती हैं और इसको आप इस तरह से थोड़ा सा थ्रेड को नीचे ले जाकर, ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप इस थ्रेड के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं जो बैक साइड वाली है उनको भी इसी तरह से अटैच कर लूंगी। आप चाहें तो फ्राइज इसमें और भी, ठीक, अब इसके ऊपर हम मैकडोनल्ड भी लिख सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो वर्ड लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको,
एक छोटी सी चेन बनानी होगी आपको। ये देखिए मेरी बास्केट जो है वो रेडी हो गई है। मैं इसमें और भी रख सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर लूँगी थ्रेड को। ये देखिए, ठीक है, ये बास्केट मेरी रेडी हो गई है। और इसके ऊपर यहाँ पर लिखने के लिए जो मैं यूज़ करूँगी वो हमें एक छोटी सी चेन बनानी होगी। ये देखिए इस तरह से, जो भी वर्ड आपने लिखना होगा आपको इस तरह से छोटी सी चेन बनानी होगी। और चेन बनाकर आप उसको किसी भी शेप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, एम बनाना चाहें तो ये देखिए, अगर आप एम बनाना चाह रही हैं तो आप इसको ऐसे 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 और ऐसे ऐसे इसको यहाँ पर ग्लू गन के साथ आप जोड़ सकती हैं, ठीक है। और मैं कुछ और बनाऊंगी, मैं सी और ए लिखूंगी, ठीक है। ये मुझे ऑर्डर मिला है तो मैं उसका सी और ए लिखूंगी। तो आप इसका, ये मैंने सी के लिए, ये देखिए इस तरह से मैं सी और ए जो है, आप इसको नीडल के साथ भी स्टिच कर सकती हैं और जो है वो आप ग्लूगन के साथ भी जोड़ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट ज़रूर देखें। और मज़ीद चीज़ें, अगर आप जो कुछ सीखना चाहते हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं। और ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसे बनाई। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।